200 ग्राम भी ऐसे मुश्किल वक्त में भी भारत की हार पर भी भारतीय टीम का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। 200 हार के बाद विराट कोहली रोहित शर्मा पर तो बुरी तरीके से भड़के ही हैं, साथ ही अपने संन्यास के भी संकेत दे दिए हैं। आखिरकार विराट कोहली रोहित शर्मा पर भड़कते हुए क्या कहा WTC फाइनल में हारने के बाद, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली को अब संन्यास लेना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल एक ऐसा मुकाबला जिसे भुला पाना सदियों तक नामुमकिन होगा। दो बार फाइनल तक पहुंचना और दोनों बार हारना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है, एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड जिसके बनने के बाद अब विराट कोहली भी आग बबूला हो चुके हैं। दोस्तों इस फाइनल को जीतने के लिए रोहित शर्मा ने न जाने किस मिजाज से सबसे पहले गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे अगेंस्ट 470 से ज्यादा रन बना गई। अब इतने ज्यादा रन बनाने भी थे और उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बड़ा स्कोर भी देना था, लेकिन इस स्कोर को बनाने के लिए ना तो हमारी शुरुआत अच्छी थी ना ही बल्लेबाजी का एग्जीक्यूशन। रोहित और गिल तो जल्दी आउट हुए ही थे, साथ ही विराट कोहली खुद कुछ नहीं कर पाए, चितेश्वर पुजारा भी आउट हो गए। देखते देखते राणे ने भले ही 89 रन लगा दिए, जडेजा ने भी कुछ रन लगाए और ठाकुर भी 51 रन लगा गए, लेकिन क्या उससे मैच पलटा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों असली मुकाबला तो तब चला था जब हमें 444 रन का टारगेट दिया गया। लक्ष्य मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि रोहित और गिल की बल्लेबाजी इस बार तो कुछ बड़ा करके दिखाएगी, लेकिन वहां पे भी सबको निराशा हाथ लगी। जैसे ही गिल आउट हुए तो रोहित शर्मा भी 43 के आगे बढ़ नहीं पाए, जबकि कप्तान को मैदान में टिककर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। और दोस्तों पुजारा का तो क्या ही कहना, पहली इनिंग्स में भी फ्लॉप थे और दूसरे में भी कुछ यही हाल था, 27 रन पर निपट कर रह गए। इस बीच विराट कोहली के बल्ले से दोस्तों हमें देखने को मिली 44 रन की पारी, और यही पारी वो उम्मीद की पारी बन चुकी थी जो हमें जीत की तरफ ले जाती। ऊपर से राणे भी तो उनके साथ पार्टनरशिप में जुट गए थे, लेकिन सवाल जब खड़े हो गए जब विराट कोहली और रविंद्र जडेजा अगले दिन यानी कि आज के दिन पांचवें दिन के खेल में स्कॉट बोलैंड की गेंद पर बैक टू बैक अपना विकेट गंवा कर गए। विराट तो 49 पर आउट हुए, साथ ही आउट हुए जडेजा शून्य पर। इसका प्रेशर इतना ज्यादा पड़ा कि ना तो राणे क्रीज पर टिक पाए थे आगे चलकर और ना ही 200 शार्दुल ठाकुर, वो तो 0 पर आउट हुए। और देखते देखते भारतीय टीम 206 रन के अंतर से हार गई। हार के बाद दोस्तों कोई गुस्सा था तो कोई उदास, लेकिन विराट कोहली ने तो अपने संन्यास की ही बात कर दी है। आखिरकार हार के बाद विराट कोहली ने रोहित पर भड़कते हुए अपने संन्यास पर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों हार के बाद विराट कोहली ने अपने बयान में भावुक होते हुए कहा, इस ICC ट्रॉफी को जीतने के लिए हमने 2 साल मेहनत करी, जगह जगह जाकर टूर्नामेंट्स जीते, सीरीज जीती और हर एक वो पुरजोर कोशिश करी जो हमें विजयी बना पाए, लेकिन अफसोस हम इस बार भी नाकाम रहे। सबसे पहले अपने पूरे देशवासियों से इस बात की माफी मांगना चाहूंगा कि हम एक और ICC ट्रॉफी में फाइनल तक पहुंचकर भी इतनी बुरी तरीके से हार गए हैं। शब्द नहीं है इस हार को बयान करने के लिए। क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, उन्होंने जीत के लिए एकजुट होकर प्रदर्शन किया और हमने बिल्कुल भी वैसा नहीं किया, बल्कि उसके विपरीत चलते गए, जिसका परिणाम हमें भुगतना भी पड़ा है। इस बात में कोई शक नहीं कि रोहित के फैसले की गलती नहीं थी, गेंदबाजों के रन इतने ज्यादा जा चुके थे कि पहली इनिंग्स में प्रेशर बढ़ता चला गया और अर्ली विकेट्स गंवाना हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि हमें पता लग चुका था कि चाहकर भी हम पहली इनिंग्स में तो ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के आसपास नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर भी मन में एक आस थी, एक उम्मीद थी कि शायद रोहित शर्मा और बाकी सभी खिलाड़ी दूसरी इनिंग्स में मिलकर अगर हम प्रदर्शन करें तो जीत जाएंगे। लेकिन ना तो रोहित चल पाए, ना मैं खुद कुछ अपनी टीम के लिए कर पाया। एक शतक निकलता तो शायद जीत की उम्मीद लगाई जा सकती थी। एक बार फिर से भारतीय फैंस से सर झुकाकर माफी मांगना चाहूंगा। लगता है कि शायद मेरे क्रिकेट करियर में तो ICC की ट्रॉफी मैं अपने फैंस के लिए नहीं उठा पाऊंगा। फिर भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों विराट कोहली अपने बयान में बहुत भावुक थे और उन्होंने कहीं ना कहीं करियर की बात करते हुए इस बात के संकेत दे दिए हैं कि शायद वो संन्यास भी ले सकते हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली को अब क्रिकेट की दुनिया से संन्यास लेना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।